आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पैन पिज्जे की रेसिपी, जिसमें ना ओवन लगेगा ना माइक्रोवेव लगेगा और बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाएगा। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें डलने वाले इंग्रेडिएंट्स की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमने काट के रखा है चॉप टमाटर, चॉप शिमला मिर्च, ओनियन और ये गाजर है। इसके लिए चिली सॉस, चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज़, मोज़रेला चीज़ है जो कि पिज़्ज़ा का मेन इंग्रेडिएंट्स है। अब चलिए हम अपने बेस की तरफ चलते हैं। बेस को लेते हैं, ये मेरा बना बनाया बेस है। इसके ऊपर हम 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डालते हैं और इसको यहीं पर फैलाना रहेगा, लेकिन पहले इसके ऊपर अभी 2 चीज़ें और डालते हैं। पहले हम इसके ऊपर चिली सॉस डालेंगे, अब इसके ऊपर मेयोनीज़ डालेंगे। 2 चम्मच चिली सॉस डाल देंगे और मेयोनीज़ यहीं पर डाल देंगे और इसको यहीं पर मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके फैलाते हुए पूरे पिज़्ज़े में लगा देते हैं, ताकि पिज़्ज़े का बेस का कोई कोना भी बचा ना रह जाए। इसको अच्छी तरह इस तरह से फैला देते हैं। अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग के लिए हम पहले इसमें टमाटर डालेंगे जो छोटे छोटे हमने काट के रख लिया है, इसको अच्छे से पूरे में फैला देंगे। अब शिमला मिर्च डालेंगे, शिमला मिर्च के बाद ओनियन डालते हैं, अच्छे से ओनियन भी पूरे में फैला डालते हैं। और अब हम इसके ऊपर जो हमने बॉयल करके थोड़ा सॉफ्ट करके गाजर रखा था उसको डालेंगे। गाजर को थोड़ा सॉफ्ट करके ही डालना चाहिए, वरना खाने में अच्छी नहीं आएगी। मेयोनीज़ तो चारों तरफ डाल देते हैं थोड़ी सी, और अभी हम अंदर डाल चुके हैं, लेकिन फिर हमने इसके ऊपर मेयोनीज़ थोड़ी डाल दी है। अब इसके ऊपर हम डालते हैं मेन इन्ग्रीडियंट्स मोज़रेला चीज़, जिससे पिज़्ज़े में मेन मज़ा आता है, टेस्ट आता है। अब उसको हम अच्छे से चारों तरफ फैला देते हैं। इसको बहुत कम नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर इसको एकदम कम डालेंगे तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। इसको अच्छे से चारों तरफ फैला देते हैं। अब मेरी टॉपिंग कंप्लीट हो रही है, बस इसके ऊपर थोड़ा सा हमको और डालना है। अब इसके ऊपर एक बार थोड़ी सी बीच में मेयोनीज़ डाल दे रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब चिली फ्लेक्स सबसे ऊपर डालते हैं। ऊपर से चिली फ्लेक्स हमने इसमें से डाल दिया और थोड़ा चिली सॉस डालते हैं, जिसे देखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमने एक तवे को पहले से रख दिया था प्री हीट होने के लिए, उसके ऊपर अब हम अपना पिज़्ज़े का पैन देते हैं। पिज़्ज़े के पैन को पहले तो थोड़ी हाई फ्लेम में पकाना, उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सर्विंग के लिए निकालते हैं। ये देखिए, आपको देख के लग रहा है ना जैसे रेस्टोरेंट जैसा पिज़्ज़ा, कितनी आसानी से घर में बन गया है। अब इसको हम आपको काट के भी दिखाएंगे कि कितना अच्छा कटिंग में भी लगता है ये। और हमने यहाँ पे थोड़ा टोमेटो सॉस भी डाल दिया है ऊपर से। देखिए, काटने से आपको लग रहा है ना कि कितना अच्छा बना हुआ है। कोई कह सकता है कि घर में इतनी आसानी से पैन में बना हुआ पिज़्ज़ा है ये? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज मिल रहा है ना आपको कि कितनी अच्छे तरह से कट रहा है। ये देखिए, इसमें ये चीज़ की लेयरें भी आ रही हैं। बन गया ना घर ही में मेरा रेस्टोरेंट जैसा पिज़्ज़ा आराम से।